एक तरफ कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं प्रशासनिक महकमे में भी लापरवाही अपनी चरम पर जा पहुंची है। खबर है मुंबई से सटे ठाणे महानगर पालिका का, जहां एक अस्पताल में आरोग्य की किस तरीके से व्यवस्था की गई है इसका नजारा आपको दिखाते हैं। दरअसल ठाणे महानगर पालिका हो, मुंबई महानगर पालिका हो या फिर महाराष्ट्र की कोई भी महानगर पालिका हो, उसमें कोरोना के संक्रमितों को समय रहते अस्पताल में बेड की व्यवस्था उपलब्ध की जा सके इसके लिए बकायदा वॉर रूम बनाया गया है। लेकिन ये वॉर रूम किस तरीके से काम करता है, खबर इसी से संदर्भित है। दरअसल 13 अप्रैल के दिन अस्पताल में एडमिट होने के लिए एक वरिष्ठ दंपत्ति ने महानगर पालिका के वॉर रूम से संपर्क साधा, लेकिन मनपा के वॉर रूम से किसी ने भी उक्त दंपत्ति को कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं दिया, जिसके बाद कथित दंपत्ति ने अपने ही घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर खुद का उपचार शुरू कर दिया। यह पूरा का पूरा मामला ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले निशिगंधा वोल्टास कॉलोनी की है, जहां 13 अप्रैल के दिन एक महिला और उसके पति की कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई, और पॉजिटिव आने के बाद महिला ने ठाणे मनपा के वॉर रूम से संपर्क साधा। ये महिला जो है वो ठाणे कोर्ट में काम करती है, और ठाणे महानगर पालिका के वॉर रूम में संपर्क करने के बाद भी इसे बेड उपलब्ध नहीं हो पाया। 2 दिन बीतने के बाद भी जब कोई प्रकार का प्रतिसाद इन्हें नहीं मिला, तो इन्होंने खुद ही ऑक्सीजन बेड की किसी तरह व्यवस्था अपने घर में करवाई। बीएमसी के वॉर रूम से इन्हें कहा गया, चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन वॉर रूम में नहीं हुआ है, लिहाजा आपको बेड नहीं मिल पाएगा। यहां तक कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मनपा के वॉर रूम से संपर्क साधा गया, लेकिन फिर भी इन्हें बेड नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह है कि जब वरिष्ठ दंपत्ति को काफी जद्दोजहद के बाद भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था मनपा नहीं करवा पाई, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मोबाइल पर उन्हें मैसेज भेजा गया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के स्वीय सहाय वैभव काले ने फोन के जरिए वरिष्ठ दंपत्ति को किसी तरह बेड की व्यवस्था करवाई, लेकिन इसके बाद भी कथित दंपत्ति एम्बुलेंस का घंटों इंतजार करती रही। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि सारी व्यवस्थाएं हैं कहने के लिए, हर चीज के लिए सरकार और प्रशासन तैयार है, लेकिन यदि कोर्ट में काम करने वाली महिला का यह हाल है तो एक आम आदमी की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा इस पूरी खबर से लगाया जा सकता है। गेली 3 दिवस आम्ही घरातच आहोत आणि कुठेही बेड उपलब्ध नाही, आम्ही खूप केले। शेवटी आमचे एक ओळखीचे होते शशिकला पुजारी म्हणून, मग त्यांनी म्हणजे आमच्यासारख्या सामान्य माणसांसाठी त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांना फोन करून शेवटी आम्हाला ही मदत मिळवून दिली, त्यांचे आभार आहेत। नाही तर आम्हाला कोणी विचारतच नव्हतं। काय सांगाल, किती दिवसापासून तुम्ही ॲम्ब्युलन्सची वाट बघत होतात, अजून देखील महापालिकेकडनं कुठली ॲम्ब्युलन्स आलेली नाही आहे किंवा कुठली मदत तुम्हाला मिळाली नाही? आतापर्यंत कुठलीच नाही आली। आत्ता जेव्हा ते फोन केलाय तिथून वरतून, त्यावेळेला त्या लोकांनी कुठे हालचाल सुरू केली आहे, म्हणजे माझ्या एक सामान्य माणसांसाठी आरोग्यमंत्र्यांना फोन करावा लागत ही स्थिती असेल तर इतरांचं काय आहे? आणि आम्ही दोघेही सरकारी कर्मचारी आहोत, त्या स्वतः ठाणे कोर्टामध्ये सुपरिटेंडेंट आहेत, मी आहे, तर आमच्यासारख्या लोकांचं हे तर सामान्य माणसांना मरण एकच पर्याय राहिलेलं आहे। अत्यंत करोनाच्या बाबतीत अत्यंत त्रासदायक रोग हा ही व्हायरस आहे, प्रशासनाने अत्यंत सतर्क पावलं उचलून सर्वसामान्यांसाठी उपाययोजना करणं हे महत्त्वाचं आहे साहेब।